जाने वाले कश्मीर घाटी में आतंकवाद एक बार फिर से पैर पसार रहा है। दहशत फैलाने के लिए आतंकी टारगेट किलिंग कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कश्मीर में आतंकी 1990 जैसा माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक वैसे ही दहशत अब एक बार फिर से देखने को मिल रही है। घाटी में टारगेट किलिंग का ये नया दौर है और इस टारगेट किलिंग में 2 जून को हनुमानगढ़ के विजय कुमार का निधन हो गया। विजय कुमार राजस्थान से कश्मीर जॉब करने के लिए गए थे, पर शायद ऊपर वाले को कुछ और ही मंजूर था। विजय कुमार के निधन के बाद अब कश्मीर में काम कर रहे राजस्थान के 250 लोगों को हर दिन डराया धमकाया जा रहा है। आए दिन उन्हें जान से मारने की धमकी मिल रही है। सोशल मीडिया के जरिए धमकी भरे पोस्टरों ने लोगों की नींद हराम कर दी है। उन्हें धमकियां मिल रही है कि गैर कश्मीरी बंदूक में गोलियां हैं, बरसाते रहेंगे। कई लोगों ने डर के मारे वहां से भागना शुरू कर दिया है। अभी भी कश्मीर घाटी की जम्मू एंड कश्मीर और EDB बैंक में 250 से ज्यादा राजस्थानी बैंकर्स काम कर रहे हैं। दिन रात यह सोच कर निकलता है कि विजय के बाद अगला कौन, अब किसकी बारी। ऐसी स्थिति के डर से वहां काम कर रहे कुछ कर्मचारियों ने बताया, शर्त ये थी कि इनकी पहचान छिपा कर रखी जाए। दहशत में वहां काम करने वाले राजस्थानियों की आप बीती सुने। कश्मीर में काम करने वाले एक व्यक्ति ने बताया कि विजय की हत्या के बाद सब लोग छुट्टी लेकर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। घर वालों के लगातार फोन आ रहे हैं, जैसे भी हो वहां से निकल जाए, कहते हैं ऐसी नौकरी नहीं चाहिए। कई चले भी गए हैं। जिन ब्रांच में राजस्थानी काम कर रहे हैं वहाँ सिक्योरिटी नहीं है, एक भी गार्ड बैंक के बाहर तैनात नहीं रहता। सोशल मीडिया पर खुलेआम जान से मारने की धमकी वाले मैसेज मिल रहे हैं। बैंक का बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि यहाँ बैंक के GM और चेयरमैन सब कश्मीरी हैं, गैर कश्मीरियों को कोई सपोर्ट नहीं है। होली दिवाली पर भी कोई छुट्टी पर चला जाता है तो उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। एक बैंक कर्मचारी ने बताया कि एक बार उनके भाई की मौत हो गई थी, वह दाह संस्कार में राजस्थान चला गया था, बाद में उसे सस्पेंड कर दिया गया। 15 अगस्त हो या 26 जनवरी, कभी भी बैंक हेडक्वार्टर से तिरंगे की फ्लैग होस्टिंग का मैसेज तक नहीं आता है। एक ने कश्मीर में फैल रहे आतंक पर गुस्सा दिखाते हुए कहा कि राजस्थानी कर्मचारियों और गैर कश्मीरियों को जानबूझकर संवेदनशील ग्रामीण एरिया में पोस्टिंग दी जाती है, रहने खाने के कोई इंतजाम भी नहीं होते हैं। आम कश्मीरी अलगाववादी हो या ना हो, पर वो इंडिया से नफरत करता है, ऐसे माहौल में रहना पड़ रहा है। आतंकी बुरहान वानी की मौत के बाद जब कश्मीर लंबे टाइम तक बंद रहा था तो बैंक एडमिनिस्ट्रेशन ने गैर कश्मीरियों को सैलरी नहीं दी थी। कश्मीर में रहने वाले राजस्थान के कुछ लोगों ने आतंकियों की पोस्ट शेयर की है। सोशल मीडिया पर गैर कश्मीरियों के लिए कैंपेन चलाया जा रहा है। विजय की मौत के बाद धमकाया जा रहा है कि अगला नंबर तुम्हारा है। कहा जा रहा है कि अब कश्मीर में गैर कश्मीरियों को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वे यहाँ गैर कश्मीरियों की तादाद बढ़ाना चाहते हैं। ये कश्मीर की आजादी खत्म करने जैसा है। खैर अब देखना यह है कि कश्मीर में फंसे राजस्थान के लोग आखिर किस तरह अपनी जिंदगी को बचाने की लड़ाई लड़ते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द फैक्ट, इंडिया।